चलिए आज ना मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताती हूँ जो झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। कभी भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं, डिनर हो या लंच टाइम। तो आज जो रेसिपी बना रही हूँ मैं डिनर में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नॉन स्टिक पैन में 2 बड़े चमचे मैंने तेल भर करके डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता डाला है, इसी के साथ में मैंने जीरा डाल दिया है। देखिए जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक ही घर पे मिल जाती है, मैंने कोई ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सब्ज़ी हमारी एकदम चटपटी मज़ेदार बन करके तैयार होगी। इसी के साथ में मैंने 4 से 5 काजू लिए हैं, जिनको मतलब 1 काजू में से 2 मैंने कर लिया है। इसी के साथ में मैंने आधी शिमला मिर्च और 1 प्याज को मैंने लंबा करके स्लाइस निकाल लिया है, देखिएगा किस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए इसे तेल में भून लेते हैं, मतलब इसको कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसका जो कच्चापन है वो निकाल देना है। इसी के साथ मैंने बड़े साइज़ की 1 प्याज ली है जो मैंने बारीक करके कट करके रखी हुई है, अब उसे भी हम तेल के साथ में अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये काम चाहे तो आप इस प्याज को पहले भी भून करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में इसलिए भुना है, जो इसमें प्याज की खुशबू है ना वो मीठी मीठी सौंधी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए काजू प्याज हमारे सभी अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज, सॉरी लहसुन अदरक और लाल मिर्च की पेस्ट। तो ये मैंने घर पे बनाई हुई रखी है तो मैंने वही डाली है 1 चम्मच। इसी के साथ में मैंने डाला है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, इसी के साथ में धनिया पाउडर और नमक, टेस्ट के अनुसार डालें। यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। देखिए मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और इन्हें अच्छी तरीके से सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है जिससे कि इनका मसालों का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया है। अब हमने क्या लिया, 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, अब उसे भी हम डाल देते हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे इसके साथ, मतलब कि मसाले और टमाटर अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, तो हल्का सा ही पानी डालना है, 1 से 2 चम्मच, और इन्हें अच्छी तरीके से सभी मसालों को मिक्स करके भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक इसमें से जो हमने तेल डाला था ना वो मसाले को अच्छी तरीके से भून करके तेल ऊपर ना आ जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए भूनने के बाद में कुछ हमारा मसाला इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको भूनने में। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पनीर, तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा करके कट कर लिया है, आप कोई सी भी शेप में से कट कर सकते हैं, और इन्हें मसालों के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मतलब मसालों में कोट कर देंगे जिससे कि मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर भी आ जाएगा। और ये देखिए पकाने, मतलब मसाले और पनीर को अच्छी तरीके से पकाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा ये पनीर बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसी टाइम पे आप गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए सूखा चाहिए तो इस टाइम पे आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, क्योंकि जो मैं इसके साथ में बनाने वाली हूँ बन पराठा, तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो गैस की फ्लेम उस टाइम पर बंद कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और इसे अच्छी तरीके से मसालों के साथ में चलाते हुए साइड से भी और इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ना हो जाए तब तक आपको इसे पका लेना है। इसी के साथ में मैंने फ्लेवर के लिए डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छा हमारे पनीर के अंदर फ्लेवर आएगा। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा कसूरी मेथी के साथ, बहुत ही अच्छा हमारा ये पनीर की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है और मुझको इतनी ही ग्रेवी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ इसे चलाते हुए बस अच्छे तरीके से 1 से 2 बार चला देती हूँ और इसे बस पकने देते हैं। पकने के बाद में जब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिया की जो खुशबू आती है ना सब्ज़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी को कर देती है, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है सब्ज़ी में। चलिए पनीर की सब्ज़ी हो गई है हमारी बन करके तैयार। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखने में कितनी ही मस्त लग रही है, मतलब कि इतना मुँह में पानी आ रहा है देख तो के साथ ही। चलिए इसी के साथ अब मैं बना लेती हूँ बन पराठा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा लगा करके रखा हुआ था, नमक और गेहूँ का आटा, और
और यहाँ पे देखिए मैंने बना करके तैयार कर लिया है। एक चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, घी इसमें ज़्यादा जाता है लेकिन मैंने थोड़ा कम लगाया है। आप चाहे तो इसे घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पराठे बनकर के तैयार होते हैं ना वो घी में बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होते हैं। तो ये पराठे को मैंने इस तरीके से बनाया है, एक पराठा बेल करके उसके ऊपर घी लगा करके और थोड़ा सूखा आटा डाल करके इसके छोटे छोटे कट कर लिए हैं, मतलब कि लेयर में कट कर लिया है और उसे एक जगह पर घीटा करके उसकी एक लई बना करके इस तरीके से हाथों से इसे बेल लिया है। आप चाहे तो चकला बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से इसको थोड़ा बढ़ाया है और इसे तब तक सेकना है जब तक ये क्रिस्पी करारा ना हो जाए। मतलब इसके देखिए लेयर कितने निकल कर आ रहे हैं, ये देखिए, तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने मिर्च का अचार, खीरा, प्याज, नींबू और अब मैं रख रही हूँ इसमें पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि मुझे ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी पसंद है, तो मैंने इसलिए ये ग्रेवी वाली बनाई है। आप सूखी भी बना सकते हैं और देखिए देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे हमारे बन पराठा बन करके तैयार हो गए हैं। अभी देखिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाए हैं इसमें कितने लच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसे अभी मतलब लच्छे दिखाऊंगी कि कितने इसमें लच्छे बन करके हमारे तैयार हुए हैं। बस इस तरीके से एक पराठा उठा लूँगी और इसे हाथों से इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हाथों से इस तरीके से इसे कटते हुए मतलब घुमाते हुए दबाते रहना है और देखिए हमारे लच्छे कितने सारे बन करके तैयार हैं। जितने हमने लच्छे बनाए थे वो सारे खुल करके तैयार हो गए हैं, ये देखिए। चलिए इसी तरीके से मैं ये दूसरे पराठे को भी कर लेती हूँ। एक एक लच्छा हमारा निकल के आएगा फ्रेंड्स और देखने में इतना मज़ेदार है, खाने में उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए दोनों हाथों से इस तरीके से, हाथों से जैसे ताली बजाते हैं ना उस तरीके से कर दीजिएगा पराठे को बीच में रख के, और ये हमारे लेयर वाले लच्छे बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए एक एक लच्छा खुल करके तैयार है और ये इतना क्रिस्पी है ना, खाने में मज़ा ही आ गया। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। चलिए अब इसे तोड़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं इसको तो तोड़ रही हूँ और ये देखिए एक एक लच्छा आप देख सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं एक एक लच्छे को। इस तरीके से हमारे ये बन पराठे के लच्छे बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।